हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मॉम्स गॉसिप में। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग चायल पैलेस गए हैं और अब हम चायल पैलेस से निकल पड़े हैं शिमला की तरफ। आपको बता दूं कि शिमला हम जा तो रहे बट हमने कोई होटल बुक नहीं किया है, तो ये जो होटल है हम लोग वहीं पर जाके बुक करने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सा होटल हम लोग के लिए सुटेबल रहेगा, बजट वाइज भी और लोकेशन वाइज भी। तो आप लोगों को मैं मिलती हूँ अब लोकेशन पर जहाँ पर हम लोग होटल ढूंढेंगे। अभी हम लोग जाम में स्टक हो गए हैं, पता नहीं आगे क्या हुआ है, भीड़ लगी हुई है, लोग नीचे देख रहे हैं। मेरा लल्ला सो रहा है मम्मा के पास, पापा इरिटेट हो रहे हैं ट्रैफिक देख के और माँ बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। मेरी वला से कुछ भी हो मैं तो बैठूंगी। देख लेते हैं क्या देख रहे हैं लोग। ये देखो है तो देखने लायक व्यू वैसे यार, वाओ। कैंडी ले लो, ये कैंडी। तो ये हम शिमला पहुंच गए हैं, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है। अभी एक भैया ने हमें रूम का बता रहे हैं। तो ये जो आगे जा रहे हैं ना रेड हुडी में, मम्मा हाँ जी, हम का ड्रूम जा रहे हैं, हम तो ड्रूम जा रहे हैं ना, हम तो ड्रूम ड्रूम जा रहे हैं, रूम देखेंगे। ये रहा जीरा मम्मा, ये तो राइट है मम्मा। तो अभी हम ये रूम देखने आए हैं। पानी 24 घंटे सर, सर्विस यहाँ की सर्विस सबसे बड़ी होटल है। अच्छा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है ऊपर का? इसलिए अभी हमने होटल में रूम देखा था, इसमें दो रूम, इसमें एक 2300 का था, एक 2500 का था, तो वो कम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, इसलिए हमने अभी कहीं और देख रहे हैं। ब्रिटिश टाइम का है जी, शाम में चर्च है, म्यूजियम है, क्या क्या है यहाँ पे, म्यूजियम है, म्यूजियम है, शूटिंग प्लस चर्च है, चर्च है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। यहाँ से जाकू टेम्पल कितनी दूर है? वहाँ से ऊपर आपको आधा घंटा लगेगा पैदल में, गाड़ी से संजोली होके जाती है टंडल, वहाँ से तो आए हम, संजोली से होके ऊपर चलता है जाकू मंदिर तक गाड़ी जाती है, नया रोड बनाया, पहले पैदल जाते थे। कौन सा वाला रास्ता सही है, पैदल वाला ज़्यादा अच्छा है या पैदल वाला? तो थक जाएंगे आप वो वाले, आप तो थक जाएंगे, बच्चे थक जाएंगे, कम से कम 150 सीढ़ियाँ हैं। 150 सीढ़ियाँ तो भैया हम ऐसे ही चढ़ जाते हैं। अरे ये है, क्या
ये हमारा रूम है, बेड ऐसा है, लेट जाओ फिर तुम, लेट रहे हो। और इसके साथ ये वाला रूम है, पापा फोन, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। और यहाँ से पूरा शिमला दिख रहा है। अभी मैं नीचे से वो सोल लाने ना, ऊपर से। तो अभी हम सब फिलहाल फ्रेश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं। उसके बाद पापा तो आराम करने वाले हैं। पापा आप भी चलोगे माल रोड? नहीं मम्मा मैं चलूंगा माल रोड, बताया आपको। खाने का ऑर्डर कर देंगे, अपने ऊपर से देख लेंगे मॉल रोड से। तो चलो फिर, अभी हम लोग फिलहाल शिमला पहुंच गए हैं। अभी हम लोग मॉल रोड जाएंगे तो वहां पर भी आपको अपने साथ घुमाएंगे। फिलहाल फ्रेश होके रेडी हो जाते हैं। तो हम लोग रेडी हो गए हैं। व्यू तो वही कपड़े पहने, व्यू के कपड़े चेंज नहीं गले, मम्मो ने ही चेंज कर लिए बचना, है ना? मम्मा ने ही चेंज किए ना से। मुझे चाउमीन खाना है। चाउमीन खाना है, ओके। और क्या खाना है? और बर्गर। बर्गर, फ्राइज, फ्राइज, सैंडविच। अच्छा इतना सब कुछ, सारा खाना है। सारा खाना है तो चले। हाँ चलो। तो हमारा होटल यहाँ है और यहाँ से बिल्कुल ऊपर, यहाँ से माल रोड का रास्ता है। ये जो होटल है, होटल के इस साइड को हमें जाना है। इस तरफ से ये होटल है, से जाना है हमें। ये बाहर, यहाँ से निकल गए हम। व्यू थका नहीं? हाँ व्यू थका नहीं व्यू? अच्छा ठीक है। तो ऊपर चलते चलते हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ से ऊपर आए हैं, यहाँ से इधर को मॉल रोड का रास्ता है। कहा जाता है कि ये जितने भी हिल स्टेशन है, सबसे बड़ा मॉल रोड मार्केट जो है वो यही है शिमला का। क्या ये खाली मॉल रोड है बस? अभी हम लोग मॉल रोड आए हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा रात हो गई है इस वजह से। तो पीछे ये व्यू को कौन छी टोपी? So nice. जय बजरंगबली। तो वहां पर आपको दिख रहा है बजरंगबली जी की मूर्ति है, वहां हम लोग सुबह जाएंगे। वाओ सो नाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी यहां पर खाली इसलिए क्योंकि ये एंडिंग है मॉल रोड की, और शुरुआत वो वहां से है, दूर है। तो अभी हम वहां जाने वाले हैं। तो ये मॉल रोड स्टार्ट हो गई है, वैसे बैक साइड से हम लोग हैं। और वो देखो, वो रहे, हाँ वो रहे बजरंगबली जी। बजरंगबली है बेटा। तो मॉल रोड बंद हो चुका है और इस वजह से हम लोग वापस रूम पे जा रहे हैं। देखते हैं अगर दिन में मॉल रोड खुला होगा, ऑब्वियसली खुला होगा, तो दिन में आके यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी घर चलते हैं, घर चलते हैं, मतलब तो घर जलने की आदत हो रखी है ना। अभी हम लोग रूम पे चलते हैं, फिर वहीं पर ही डिनर करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। इनको बर्गर कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा।
अभी दूध पी के नींबू कर लेगा है ना? हाँ। हाँ। का कर लेगा बताओ। नींबू यहाँ पे तो हम लोग रूम पर वापस आ गए हैं क्योंकि हमें मॉल रोड में कुछ नहीं मिला, अधिकतर शॉप्स बंद थी, तो इस वजह से हम लोग वहां से वापस आ गए। वो देखना फोन पे बात, किसको फोन कर रहे हो? पापा को। पापा तो बोल रहे, पापा तो बोल रहे, रखो नीचे रखो। तो हम लोग घर आ गए हैं वापस और फिलहाल बहुत थके हुए हैं तो सो जाते हैं। अभी मॉर्निंग का व्यू देखते हैं यहाँ से कैसा होगा। देखो चप्पल, मैं अपनी चप्पल भी वहां छोड़ के कहाँ पे। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं मार्केट। बस इसको तो मार्केट ही जाना आता है, इसको तो क्यूटी पाई को ना सिर्फ मार्केट जाना आता है। व्यू को अच्छा लग रहा है ना? व्यू ने हमें बहुत परेशान करा हुआ है यहाँ पर, हम इसे अगली बार से ना छोड़कर आएंगे कहीं, नानी के पास रहेगा ये और हम अपना घूमने आएंगे, ठीक है? तो चलिए गाइस, आप लोगों से मिलते हैं अब सुबह, यहाँ का खूबसूरत नजारा आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल खाली मॉल रोड आपको देखकर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पता है मुझे कि आप लोगों को भी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। देपी बोलो गुड नाइट। गुड नाइट मामा।